मित्रों आप चाहे जितनी परफेक्ट और यूनिक टीम बना ले, पर दोस्तों अगर कप्तान उप कप्तान का गणित आपने नहीं समझा, कप्तान उप कप्तान की कॉली सच्चाई आपने नहीं समझी, तो ग्रैंड लीग जीतना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। तो मित्रों आज हम आपके सामने दोस्तों कप्तान उप कप्तान का वो गणित समझाएंगे जिससे ग्रैंड लीग जीतना आपको बिल्कुल आसान होने वाला है। जो आज शाम को बहुत ही लाजवाब मुकाबला बंगलोर वर्सेस पंजाब के बीच में होने वाला है, वहां पर दोस्तों हम कप्तान उप कप्तान आपको फंसा कर देने वाले हैं। ये दोस्तों ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट का वादा है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने कल शाम के मैच में जीटी वर्सेस एमआई के मैच में आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों जो डीटी पर कप्तान उप कप्तान है वो दोस्तों हमने कप्तान उप कप्तान बनाकर आप लोगों को दिया था। आप लोगों को अगर ये बातें हवा हवाई लग रही तो हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलने वाला है। दोस्तों फटाफट जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको दोस्तों पल पल की अपडेट मिलती रहेगी और टॉस होने के 10 मिनट बाद दोस्तों आपको तीन प्रकार से टीम प्रोवाइड की जाती है, जहां पर बिल्कुल सॉलिड टीम होती है, जहां से हम लाखों और करोड़ों रुपए विन करते हैं वो टीम आपको दोस्तों प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक सीक्रेट तरीका लाए हैं दोस्तों बंगलोर वर्सेज पंजाब के महामुकाबले में। दोस्तों दोनों ही टीम लाजवाब है, वहां दोस्तों दोनों ही टीम आईपीएल का एक एक मुकाबला खेल चुकी है। बंगलोर दहा सीएसके से दोस्तों पहले ही मुकाबले में हार चुकी है, वहीं पंजाब ने डीसी को हराया है। तो एक विन टीम और एक डिफीट टीम दोनों आमने सामने होंगी। वहीं बंगलोर की ये चाहत होगी कि आज का मैच जीत करके दोस्तों शुभ होली को अच्छी तरह से मनाया जाए। वहीं पंजाब की चाहत होगी कि अपनी जीत की दोस्तों इस ऊंचाइयों को लगातार बरकरार बनाए रखा जाए। परंतु दोस्तों क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल होता है, यहां पर यह कह पाना बिल्कुल मुश्किल है कि आज कौन टीम जीतेगी, कौन खिलाड़ी चलेगा, कौन खिलाड़ी नहीं चलेगा। पर तो दोस्तों अनुमान लगाना दोस्तों हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो दोस्तों और चलते हैं, आज हमने किया क्या है, क्या ट्रिक है दोस्तों। 100 प्लस दोस्तों डीटी वीडियो एनालिसिस करने के बाद, 100 दोस्तों प्लस दोस्तों टीमों को एनालिसिस करने के बाद हम आपके सामने आए हैं कि आखिर 100 प्लस टीमों को हमने उन टीमों को एनालिसिस किया है जो डीटी पर आई है, उनमें हमने देखा है कितना क्या है, कौन लोग दोस्तों कप्तान और कप्तान पर ज्यादा परसेंट पे आ रहे हैं। तो उनको एनालिसिस करने के बाद 2-3 घंटे के बाद हम आपके सामने लाए हैं दोस्तों टॉप 12 दोस्तों खिलाड़ियों को, जिनमें बंगलोर के टॉप 6 खिलाड़ी हैं और वही पंजाब के भी टॉप 6 खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों को लाया है जिन्हें दोस्तों बहुत सारे लोग 99% लोग दोस्तों सीवीसी बना रहे हैं। आखिर क्या आपको इन्हीं खिलाड़ियों को कप्तान बनाना है? जी हाँ बिल्कुल बनाना है, परंतु दोस्तों आपको किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना, ये बात बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करने की जरूरत है। तो इन्हीं बातों को हम चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आप लोगों की लाइनअप घोषित होती, आप लोगों के दिमाग में ये हो जाता है कि हम हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के खिलाड़ियों को लेकर के जा करके दोस्तों आप लोग जो सपना देखते हैं बहुत ही हाई देखने लगते हैं दोस्तों। आप करोड़ों रुपए जीतने की मंशा रखते हैं और जो सपना होता है आपका सातवीं आसमान पर होता है, और जो सपना आप देखते हैं बंद आंखों से देखते हैं, और बंद आंखों से सपना जो देखता है दोस्तों इंसान, वो सपना कभी साकार नहीं होता। आप लोगों ने सुना होगा सपने सच वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, दोस्तों सपने सच वही होते हैं जो सोने नहीं देते। तो दोस्तों हमें क्या करना है दोस्तों, हमें लगातार दोस्तों कर्म करना और फल तो मिल ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों कहा ही गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तई सफल चाका, हो गया आगाज रण का वक्त बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी दोस्तों जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों आओ चलते हैं, देरी ना करते हुए हम लोग आप लोगों को सबसे पहले यह बताने की कोशिश करते हैं कि आप गलती कहां कहां करते हैं, और दोस्तों आप ग्रैंड लीग से विचलित हो जाते हैं, आप दोस्तों हार हार का बिल्कुल परेशान हो गए, आपकी रैंक आते आते रुक जाती है। तो सबसे पहले गलती आप करते हैं दोस्तों टॉस पर। टॉस पर दोस्तों आप लोग क्या करते करते हैं, टॉस से दोस्तों आपको अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर पिच कैसा बिहेव करने वाली है। टॉस आपके लिए पिच के लिए बहुत ही मददगार हो जाता है, और पिच के साथ दोस्तों सिलेक्शन परसेंट आ जाता है, और सिलेक्शन परसेंट से ही दोस्तों सीवीसी को पता लगाया जा सकता है कि आखिर आज दोस्तों हम सीवीसी किसको बनाना है, और इन्हीं गणित को आपको समझना पड़ेगा। तो टॉस क्या महत्व रखता है, ये बात आपको सबसे पहले हम बताने की कोशिश करते हैं। टॉस का महत्व दोस्तों ये है कि अगर कोई भी टीम दोस्तों टॉस विन करती है,
टॉस विन करने के बाद कोई भी टीम अगर बैटिंग लेती है दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पिच कैसा भी है वो करने वाली है, बैटिंग के अनुकूल है। और वही टॉस विन करने के बाद कोई भी टीम दोस्तों अगर बॉलिंग लेती है तो इसका मतलब है दोस्तों टीम क्या है, पिच कैसा भी है वो करने वाली है। ये दोस्तों पिच बॉलिंग के अनुकूल है, बॉलिंग के अनुकूल है दोस्तों, बॉलिंग के अनुकूल है। और ये पिच दोस्तों बैटिंग के अनुकूल है। तो हमें इन बातों को समझना होगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें सिलेक्शन परसेंट का ध्यान देना होगा। आखिर दोस्तों हमने 100 प्लस टीमों को एनालिसिस करने के बाद पाया कि दोस्तों 70 से प्लस जिसका सिलेक्शन परसेंट है वो दोस्तों 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल डीटी पर आए हैं जिनका सिलेक्शन परसेंट हाई है। तो अधिकतम मैक्सिमम हमने पाया तो 3 से 4 तो है नहीं, 4 खिलाड़ी से ऊपर आए नहीं दोस्तों। ये दोस्तों एकदम क्लियर। और आप क्या करते हैं दोस्तों, हमारे दोस्तों टीम में 22 खिलाड़ियों में लगभग 6 से 7 खिलाड़ी ऐसे होते हैं विशेष तरह पाया गया जो हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट से होते हैं, जो हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट से। यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट से हमारे पास दोस्तों कितने खिलाड़ी हैं दोनों टीमों को मिलाकर के देखिए। यह विराट कोहली है और पाप डुप्लेसिस है, मैक्सवेल है, और इसके बाद दोस्तों यहां पर है कैमरून गिल है। 4 खिलाड़ी हैं दोस्तों बंगलोर से। और यहां पर दोस्तों अगर चलते हैं तो यहां पर आप लोग देखते हैं लगभग जितेश शर्मा है, शिखर धवन है, और दोस्तों सैम करन है। और इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ अर्शदीप सिंह है। तो हमारे पास दोस्तों कुल मिलाकर 8 खिलाड़ी हैं दोस्तों जो हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट है। और इन्हीं 8 खिलाड़ियों को लेकर के जाते हैं और आप लोग सोच जाते हैं कि आप दोस्तों आज हम ग्रैंड लीग जीत लिया। तो दोस्तों ये केवल सपना होता है और सपना नहीं देखना। और दोस्तों आप लोग एक बात और गलत करते हैं, आप लोगों को दोस्तों विराट कोहली आपके दिल पर बसे, आप लोगों के दिल पर बसे विराट कोहली के एट लास्ट में दोस्तों टीम बनाते बनाते पहले तो टीम में ले लेंगे और टीम के बाद दोस्तों आपके दिल में इतना ज्यादा बस गए आपके फेवरेट खिलाड़ी कि आप लोग कप्तान कप्तान बना जाते हैं। आप लोग ये ध्यान नहीं देते कि 100 प्लस टीमों के बाद T20 का एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला है कि दोस्तों बहुत ही कम दोस्तों T20 में एक दोस्तों खिलाड़ी जो बैट्समैन होता है वो कप्तान कप्तान बनता दिखता है। क्योंकि दोस्तों बैट्समैन को चाहिए दोस्तों T20 में दोस्तों बनाने के लिए बैट्समैन को चाहिए दोस्तों 60 से 70 रन। 60 से 70 रन अगर कम से कम बनाता है दोस्तों तभी वो CVC का कंडक्टर बन पाएगा, अन्यथा दोस्तों वो फ्लॉप होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप लोग पूरी तरह से समझते होंगे कि 1 रन पर दोस्तों 1 पॉइंट मिलता है, 1 रन पर दोस्तों कितना पॉइंट मिलता है, 1 पॉइंट मिलता है 1 रन बनाने पर। और एक चौका पर दोस्तों यहां पर 1 अगर 4 मारते हैं तो उस पर भी दोस्तों 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता है। 4 तो मिलते हैं अर्थात चौके मारने पर 5 रन मिलते हैं, और छक्के मारने पर दोस्तों 8 रन मिलते हैं। छक्का अगर मारता है तो 2 रन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, रन का तो मिलना है 6 तो मिलना है और 2 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर 30 से ज्यादा आप रन बना रहे तो दोस्तों वहां पर आपको 4 रन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर 50 प्लस बना रहे तो वहां 8 रन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर दोस्तों सेंचुरी बना रहे तो वहां पर 16 रन एक्स्ट्रा जाते हैं। तो अगर दोस्तों 60 से 70 रन कोई खिलाड़ी बनाया है तो दोस्तों T20 मैच है, इसका मतलब है उसने दोस्तों 4 से 5 दोस्तों चौके और दोस्तों 4 से 5 चौके और 3 से 4 छक्के जरूर बनाए होंगे। तो इसका मतलब है उसका पॉइंट और दोस्तों कुछ फील्डिंग से पॉइंट मिल जाते हैं और उसका लगभग पॉइंट 100 से दोस्तों 110 के आसपास हो जाता है और वो दोस्तों CVC का कंडक्टर बन जाता है। वहीं पर दोस्तों आप लोग ये समझिएगा दोस्तों विकेट कीपर की बात कर लेते हैं, अब विकेट वाले दोस्तों बैट बॉलर की कर लेते हैं। अगर कोई बॉलर दोस्तों 1 विकेट लेता है 1 विकेट पर उसे 25 पॉइंट मिल जाते हैं दोस्तों, 25 पॉइंट विकेट पर मिल जाते हैं। और दोस्तों यहां पर अगर 3 विकेट ले लेता है तो दोस्तों 75 पॉइंट हो जाते हैं और वही कंडीशन दोस्तों बॉलर पर हो जाती है और इसको बनना दोस्तों बहुत ही सरल हो जाता है दोस्तों। यहां पर ऑलराउंडर को बनना दोस्तों और ही सरल हो जाता है, अगर उसने 2 ही विकेट पा लिया तो 50 पॉइंट यहां से मिल गए और 25 से 30 रन बना दिया तो वो दोस्तों कप्तान कप्तान पर सॉलिड हो जाता है। ये दोस्तों T20 में देखा गया। तो दोस्तों और हम आपको बता देते हैं तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को हाई सिलेक्शन परसेंट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस सिलेक्शन परसेंट के हिसाब से दोस्तों आप लोग कप्तान बनाना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। अगर इस सिलेक्शन परसेंट से आप कप्तान बनाएंगे तो जीवन में दोस्तों कभी भी आप विन नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने कल का भी मैच देखा होगा दोस्तों, यहां पर दोस्तों कल का मैच देखा होगा दोस्तों, यहां पर कौन बना था,
उमर जई दोस्तों वाइस कैप्टन बने थे और जसप्रीत बुमराह दोस्तों कप्तान बनाए थे। तो एक बॉलर और एक ऑलराउंडर मिलकर दोस्तों कप्तान और कप्तान का कंडक्ट ले लिया था। तो आप लोगों ने देखा यहां पर बहुत ही कम दोस्तों ऐसा होता है जहां पर एक बैट्समैन दोस्तों कप्तान और कप्तान बनते दिखे। परंतु दोस्तों आपके दोपहर वाले मैच में दो चौथा मुकाबला था दोस्तों आईपीएल का, पंजाब वर्सेस दोस्तों वो दोस्तों पंजाब की बात करते हैं दोस्तों लखनऊ वर्सेस राजस्थान का जो मैच था वहां पर दोनों ही बैट्समैन की क्या बात करें दोनों ही विकेट कीपर दोस्तों कप्तान और कप्तान बन गए थे। आप लोगों ने पूरी तरह से देखा होगा संजू सैमसन और केएल राहुल कप्तान बन गए थे। तो दोस्तों ये बाई चांस होता है अगर 10 मैच दोस्तों होते हैं तो 10 में दोस्तों एक बार ऐसा होता है। T20 की बात करते हैं जब दोनों ही दोस्तों बैट्समैन कप्तान और कप्तान की रेस पर आ जाए। तो दोस्तों हम लोगों को इस प्रकार की जानकारी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए क्योंकि दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अगर दोस्तों अच्छी तरह से कप्तान और कप्तान का ग्रेड समझना है तो दोस्तों और चलते हैं हम बंगलोर के जो खिलाड़ियों को लिए। देखिएगा अनुज रावत है जिनका सिलेक्शन परसेंट 39.26 जिन्हें दोस्तों मात्र 0.80% लोग कप्तान वही 1% लोग वाइस कैप्टन बना रहे। वही विराट कोहली का सिलेक्शन परसेंट 51.0 है तो 19.15 लोग कप्तान वही 13.91% लोग वाइस कैप्टन बना रहे। डुप्लेसिस को दोस्तों 90.73% सिलेक्शन परसेंट है जहां 21.51% लोग कप्तान वहीं पर दोस्तों 11.15% लोग वाइस कैप्टन बना रहे। ग्लेन मैक्सवेल की बात कर लेते हैं तो दोस्तों जिनका सिलेक्शन परसेंट 89 लगभग 90 के आसपास है जिन्हें 18.87% लोग कप्तान वहीं 13.20% लोग वाइस कैप्टन बना रहे। यहां पर दोस्तों यहां पर कैमरून ग्रीन की बात करते हैं तो 8.61% लोग कप्तान वहीं 15.79% लोग वाइस कैप्टन जिनका सिलेक्शन परसेंट दोस्तों 84.84 है। वहीं दोस्तों मोहम्मद सिराज की बात कर लेते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंट 62.56 जिन्हें 1.97% लोग कप्तान वहीं 3.01% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों पंजाब के खिलाड़ियों को, जितेंद्र शर्मा जिसका सिलेक्शन पर 69.33 है जिसे 0.75% लोग कप्तान वही 1.18% लोग वाइस कैप्टन बना रहे। अब दोस्तों बात आती है दोस्तों इस धवन की जिसे दोस्तों 3.8% लोग कप्तान वही 5.69% लोग वाइस कैप्टन जिनका सिलेक्शन परसेंट 76.39 है। सैम करन की बात कर लेते हैं 90.86% लोग दोस्तों इनका सिलेक्शन परसेंट जहां 14.25% लोग कप्तान वही 18.31% लोग वाइस कैप्टन बना रहे। वहां एम लिविंग स्टोन की बात कर लेते हैं 64.8% का सिलेक्शन परसेंट जहां 1.69% लोग कप्तान वही 3.57% लोग वाइस कैप्टन बना रहे। अर्शदीप सिंह की बात कर लेते हैं 76.88% का सिलेक्शन परसेंट जहां 1.07% लोग कप्तान वही 3.29% लोग वाइस कैप्टन बना रहे। वही हर्षल पटेल की बात करते हैं जिसका सिलेक्शन परसेंट 47.20 हो जहां 0.65% लोग कप्तान वही 1.46% लोग वाइस कैप्टन बना रहे। ये दोस्तों ड्रीम इलेवन की क्वालिटी सच्चाई और भी हम आपको बताते आपको को बनाना है। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है हम आपको पूरी तरह से समझाएंगे आप लोगों को करना क्या है। अगर दोस्तों यहां पर आप कप्तान दोस्तों अगर कप्तान हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट से ले रहे हैं तो वाइस कैप्टन आप दोस्तों क्या कर रहे लोवेस्ट सिलेक्शन परसेंट से लेकर के जाएंगे। और अगर दोस्तों वाइस कैप्टन दोस्तों वीसी आप दोस्तों यहां वीसी हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट से ले रहे हैं तो दोस्तों कप्तान दोस्तों यहां दोस्तों कप्तान क्या चलेंगे लोवेस्ट सिलेक्शन परसेंट से लेकर के जाएंगे। ये दोस्तों गणित होती है परंतु आप लोगों को इसमें समझना क्या बात है दोस्तों आप लोगों को हम आज बात यही समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इसमें समझने की क्या बात है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को करना क्या है यहां पर आप लोग देखिएगा यहां पर दोस्तों आप लोग गलती क्या करते हैं आप लोग इस सिलेक्शन पर के चक्कर पर पड़ जाते हैं। आप लोगों को इन सिलेक्शन परसेंट नहीं कप्तान और कप्तान का सिलेक्शन परसेंट आपको देखना इन सिलेक्शन परसेंट से देखना है। जिसका सिलेक्शन परसेंट 30 से प्लस हो कप्तान और कप्तान हो उसे दोस्तों सीवीसी कदापि ना बनाए। अब देखते हैं दोस्तों यहां पर हमें दोस्तों देखना है देखिएगा सिलेक्शन परसेंट है दोस्तों यहां पर अगर हाईएस्ट लेना है तो यहां पर दोस्तों लोएस्ट लेना है। तो दोस्तों और चलते हैं हम लोग आज कप्तान और कप्तान बनाते हैं दोस्तों किस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा दोस्तों हमने किस प्रकार से कप्तान और कप्तान का कंडक्ट किया है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर दोस्तों दो प्रकार से हमने टीम ली एक सेफ टीम और एक क्रिस की थी। सेफ टीम का कप्तान हमने विराट कोहली या सैम करन को बनाया आप लोग देख सकते हैं और वह सेफ टीम का वाइस कैप्टन दोस्तों अर्शदीप सिंह जो लोएस्ट सिलेक्शन परसेंट से आप लोग देख सकते हैं 5 से कम है जिसका सिलेक्शन परसेंट वहां पर कप्तान और कप्तान में वो लोएस्ट पर आता है। और मोहम्मद सिराज जिसका सिलेक्शन परसेंट देखिएगा दोस्तों यहां पर दोस्तों 5 से ही कम है। तो दोस्तों यहां पर सेफ टीम के लिए हम दोस्तों कप्तान को दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट लिया और वाइस कैप्टन को दोस्तों लोवेस्ट सिलेक्शन परसेंट से लिया। वही दोस्तों अगर रिस्क लेते हैं तो दोस्तों डुप्लेसिस है देखिएगा डुप्लेसिस का सिलेक्शन परसेंट दोस्तों कप्तान में 21.5
5-1 है। वही लिविंग स्टोन को देखिएगा दोस्तों, लिविंग स्टोन का दोस्तों हमने थोड़ा सा रिस्क लिया, लिविंग स्टोन पर 1.69%। देखिए रिस्क ले लिया दोस्तों एक बार, मैक्सवेल का ले लिया वाइस कैप्टन पर, देख लीजिए आप लोग मैक्सवेल को देख लीजिए जिनका सिलेक्शन परसेंट 13.20। एक कैमरून ग्रीन को ले लिया है आप लोग देख सकते हैं जिसका दोस्तों 15%, तो यहां पर रिस्क लिया गया। तो दोस्तों आप लोगों को भी रिस्क लेना है, अगर रिस्क नहीं ले सकते दोस्तों आगे कुछ कर भी नहीं सकते, तो आप लोगों को रिस्क लेना है। और दोस्तों इन हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट के खिलाड़ियों को लेकर के दोस्तों आपको केवल नहीं जाना, आपको दोस्तों टीम बनाते वक्त हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट से मात्र दोस्तों कितने खिलाड़ियों को लेना है, मात्र से मात्र दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट से 3 से 4 खिलाड़ी, योरेस्ट सिलेक्शन से 5 खिलाड़ी, और दोस्तों लोवेस्ट सिलेक्शन पर्सन से 3 खिलाड़ी लेकर के आपको 11 सदस्यीय टीम बना ले ली है। और यह 11 सदस्यीय टीम आपको लाखों रुपए विन करा दी थी, ये दोस्तों सच्चाई है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे दोस्तों आज दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे ये संपूर्ण जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, हमारी ये संपूर्ण जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में एक दोस्त बार दोस्तों गुड लिख देना। और अगर ये दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको बैड लगी हो तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप लोग बैड लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और दोस्तों परंतु कमेंट बॉक्स में हमें ये जानकारी जरूर देना, आपके कमेंट बॉक्स में मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।